भास्कर यादव द्वारा एक मीटिंग की गई, उसमें निष्कर्ष निकाला है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने बात कही। मैं राम सर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गैट गोल ऑनलाइन में। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज भास्कर द्वारा एक शालीमार गार्डन में हाई कोर्ट के जो पीछे है उसमें एक बैठक की जानी है, और वहाँ पर 27-31% पर जो अभ्यर्थी लड़ाई कर लड़ रहे थे, और तो उनकी पक्ष में जो आदेश आया है हाई कोर्ट का, उसको बचाने के लिए आज की मीटिंग में मेन मुद्दा ये था कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। तो रणनीति निकल कर ये आई है कि जो 27-21% जगह जो हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को यथावत रहे, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक, इस पर चर्चा होगी और मतलब बहस करेंगे, क्योंकि सुप्रीम जो डबल बेंच का ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में भी बचा पाएँ। दूसरा ये है कि सरकार या फिर दूसरा रास्ता, ये बात तो आई है कि सरकार जितने भी हमारे याची हैं, याचिकर्ता हैं, उन सभी को नियुक्ति दें, तो ये मैटर यहीं कहीं समाप्त हो जाएगा। अब देखना यह है क्या आने वाली रणनीति में क्या उथल पुथल होती है, क्योंकि जनरल वाले अभ्यर्थियों ने केस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरी को बचाने के लिए, कि अब उसी को डिफेंड डबल बेंच के आदेश को जो का तो लागू रहे, उसके लिए टीम निर्णय लिया है कि जल्द ही जल्द हम इसको आगे की कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पर हम लड़ेंगे जिससे कि हमारी जो डबल बेंच का आदेश आया है वो कहीं ना कहीं पर बच पाए। सुशील और भास्कर दोनों यादव लगे हुए हैं कि 27-21 आरक्षण पूरा हो या फिर याचिकर्ताओं को सभी को लाभ मिले। और कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा है कि जो 68,500 की जो सीटें बची हुई थी, लगभग 27,000 के समथिंग, तो उन सीटों पर जितने भी अभ्यर्थी शेष बचे हुए हैं उनको भर्ती की जाए। अब देखना होगा क्या निकल के आता है अधिकारियों की तरफ से, और या फिर कोई सूचना मिलती है सीआरडी से, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।